हेलो एंड वेलकम टेंथ क्लास। आज हम अपनी नई वीडियो में 12.2 को करेंगे। 12.2 चैप्टर कौन सा है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में ना हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है नहीं, इसलिए हम इसमें नई चीज़ें सीख, लेकिन इसमें ट्रिगोनोमेट्री का भी यूज़ होगा और कई आइडेंटिटीज़ का भी यूज़ होगा। तो आई होप आप सब ठीक हो गए और इस एक्सरसाइज को, क्योंकि ये टफेस्ट एक्सरसाइज में से, ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ रखता है ये, ठीक है टेंथ क्लास। तो अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कौन सी चीज़ क्या होती है। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हमारा, वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये सर्कल दिख रहा है आपको, ये हमारा सेंटर हो गया। अब हम इसमें कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं सेक्टर के बारे में बात कर दूँ। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर दो रेडियस के बीच में जो एरिया होता है ना, उसको कहते हैं। ये देखो, ये रेडियस हो गया, ये हमारा ओ ए एंड ओ बी क्या हमारा रेडियस है, वी ऑल नो दैट, ठीक है। अब इनके बीच में जितना भी ये पोर्शन है ना, ये सारा, ये हमारा सेक्टर है। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम थीटा मान लेते हैं, कि इनके बीच में थीटा का एंगल बन रहा है, ठीक है। और अब एक बात बताओ, सिर्फ यही पोर्शन इन दोनों रेडियस के बीच में थोड़ी है, ये वाला पोर्शन भी तो इन दोनों रेडियस के बीच में है, जो ये बाहर वाला है, ठीक है, ये वाला भी तो है, यानी ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेक्टर है। लेकिन ये छोटा है, हम एंटी क्लॉकवाइज इसको मेजर करते हैं, ये छोटा है तो इसको हम, ठीक है, ये ए से बी की तरफ जाएगा, ये छोटा हो गया, स्मॉल माइनर सेक्टर, और बी से ए तक आने को मेजर सेक्टर कहेंगे। ए से बी माइनर, क्योंकि छोटा है, और बी से ए तक के हम क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। अब सपोज दैट यहां थीटा है, टेंथ क्लास ध्यान देना, यहां थीटा है, तो इस एंगल को क्या कहेंगे, इधर जो एंगल बन रहा है, मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ये वाला एंगल क्या होगा? देखो, ये पूरा एक सर्कल बना रहा है, पूरा सर्कल बना रहा है ना, अगर ये थीटा है तो ये बचा हुआ जो है ना, इसको यहाँ लिख देता हूँ, 360 माइनस थीटा होगा। मान लो यहाँ 90 है तो बच कितना गया, 360 में से 90 माइनस कर दो, 270। मान लो थीटा 100 है तो 360 में से 100 माइनस कर दो, 260, ये बच गया, ये हमारा सेक्टर हो गया। सेक्टर के बारे में समझ में आ गया। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला देखो, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला कितने डिग्री एंगल बन रहा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक, जितने डिग्री एंगल बनेगा ना, अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, उससे हमारा वो पोर्शन आ जाएगा, चाहे ये मेजर सेक्टर हो चाहे वो माइनर सेक्टर हो। ओके टेंथ क्लास, आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें को समझ में आ गया होगा। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर होता है दो रेडियस के बीच के एरिया को हम सेक्टर कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आ जाओ सेगमेंट की तरफ चलते हैं। सेगमेंट क्या होता है? अगेन एक सर्कल, सेंटर ओ, दो रेडियस और कोण। इस कोण के नीचे वाला पोर्शन ना, ये देखो, ये वाला, ये जो है, ये इसे हम सेगमेंट कहते हैं, यानी कोण और सर्कल के बीच का एरिया सेगमेंट कहलाता है। और हाँ, ये दोनों भी तो इसके बीच में ही आ रहे हैं ना, तो ये वाला पोर्शन भी हमारा सेगमेंट ही कहलाएगा टेंथ क्लास, ठीक है। अब ये छोटा है तो इसको माइनर कह देंगे, माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा है तो इसको हम मेजर कह देंगे। ओके टेंथ क्लास, छोटा है तो माइनर सेगमेंट, बड़ा है तो मेजर। माइनर ठीक से लिख देता हूँ, सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक। इसके बुक में भी फार्मूले दे रखे, कई दे रखे, पर मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि इसके ना कई आइडेंटिटी, मैं क्वेश्चंस में समझाऊंगा, यहां पे समझाने में दिक्कत हो जाएगी, मैं उस क्वेश्चन के फिगर के साथ समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन, सेगमेंट क्या होता है। अब लेंथ ऑफ आर्क समझो, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? सर्कल, सेगमेंट समझ में आ गया, सेंटर है, लेंथ ऑफ आर्क इन दोनों रेडियस जो बाहर का है ना, ये इस पोर्शन को हम लेंथ ऑफ आर्क कहेंगे। अगर ये छोटा है तो लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, माइनर हो जाएगा, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेजर लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा, डिपेंड करता है कितना होता है। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, यही पोर्शन की बात हो रही ना, तो इसका सर्कमफ्रेंस और जितने डिग्री एंगल बन रहा है इसमें। ओके टेंथ क्लास, यहां तक समझ में आ गया।
मैंने आपको बताया कि सेक्टर क्या होता है और लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, सेगमेंट किसको कहते हैं। अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम उनको और ज्यादा क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो अब आ जाओ 10.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार चेक करते हैं। रेडियस दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है 60 डिग्री। चेक कर लो एक बार रेडियस कितना दे रखा है। नाउ सी 10th क्लास, रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। लेट्स सी, हमें सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या बताया था 10th क्लास मैंने, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना हमारा 60 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया 10th क्लास, 6 × 6 = 36, ये दोनों मैंने 6 से काट दिए, 6 से इसकी एक पावर कट गई, क्या बच गया 22 × 6 अपॉन मीन के 7 बच गया। इनको मल्टीप्लाई कर दो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप 10th क्लास पहला क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, हमें दे रखा था कि थीटा और रेडियस दे रखा था और हमसे पूछा था एरिया ऑफ सेक्टर। फार्मूला लिखा, जो जो वैल्यू थी मेरे पास मैंने पुट कर दिया एंड आई गॉट माय आंसर। द सेम यू कैन डू दिस विद, ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हैं और हो गए ये ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो ये सिंपल फार्मूला है। अभी क्वेश्चंस इजी लग रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे ना क्वेश्चन टफ होते जाएंगे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या है एक बार चेक करते हैं हम लोग। नाउ सी 10th क्लास क्वेश्चन सेकंड में, हमें क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या दे रखा है, क्वाड्रेंट दे रखा है थीटा के नाम का और रेडियस हमें दे नहीं रखा, उसकी जगह हमें दे दिया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन रिपीट होगा, आप सीबीएसई के लिए प्रिपेयर करो और यू आर इन 10th क्लास तो क्वेश्चन डिफरेंट होते रहेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपको बहुत साफ था भाई ये एंगल है, ये रेडियस से सॉल्व करो, हमने कर दिया। इस बार ना तो इन्होंने एंगल बताया एग्जैक्ट, ना इन्होंने रेडियस दिया, इन्होंने कहा कुछ हिंट दे दिए। क्वाड्रेंट का मतलब हमेशा 90 डिग्री होता है, याद रखना। क्वाड्रेंट कह दे तो आप क्या लोगे, हमेशा 90 डिग्री लोगे, ठीक है 10th क्लास। अब हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल तो दे रखा है और रेडियस नहीं दे रखा, ठीक है ट्राई करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 10th क्लास, 2πr दे रखा है, ये 2 यहां मल्टीप्लाई है, इधर आते ही डिवाइड में आ जाएगा ना, बच क्या गया पाई और आर, ये कट के 11 आ गया। पाई की वैल्यू क्या होती है 10th क्लास, 22/7, आर हमारा 11 बच गया। इन दोनों को उधर ले जाओ, ये दोनों उधर जाते हैं, वी ऑल नो दैट 10th क्लास के रेसिप्रोकल हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, 7/22 आ जाएगा, 22/7 है ना, उधर जाते हैं रेसिप्रोकल हो जाता है, 22/7 का क्या हो गया 7/22, 11 × 11 = 22, आर कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास थीटा भी आ गया, रेडियस भी हमने निकाल लिया, एरिया का फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर की जगह क्वाड्रेंट लिख देना आप, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है क्वाड्रेंट, थीटा सीधा 90/360 लिख देना क्वाड्रेंट में, क्योंकि बताया ना थीटा की जगह 90 लिखते हैं, थीटा अपॉन 360, फार्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है 10th क्लास, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, 0 × 0 = 9, 9 × 9 = 36, 1/4 आ गया, 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49/4, 7 × 7 = ठीक है 49, अभी 2 से कट गया, 2 × 2 = 4 = 11, 7 × 11 = 77, 2 × 4 = 8, एंड दैट्स योर आंसर 10th क्लास। आई होप ज़्यादा टफ नहीं था। सबसे पहले हमने क्या, हमें इसने कहा था एंगल की जगह हमें दे दिया क्वाड्रेंट, तो इस बात को याद रखना, कभी भी क्वाड्रेंट दे दे इसका मतलब 90 डिग्री की बात कर रहा है, और इसने रेडियस ना देके सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे दिया, जो भी गिवन है ना 10th क्लास वो हमेशा याद रखना सफिशियंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr, यहाँ से फिर मैंने वैल्यू रखी और मेरे पास यहाँ आर आ गया, आर के बाद फिर मैंने यहाँ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट का फार्मूला वैसे 90/360 होता है या 1/4 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
वैल्यू पुट करी, कैलकुलेशन कर ली। टेंथ क्लास कैलकुलेशन में ही बच्चों से गलती होती है, तो आप कभी भी ना ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना कि यार ये कर लेंगे वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा हमसे मिस्टेक ही कैलकुलेशन में होती है, ऑलवेज रिमेंबर कि मिस्टेक्स हमसे हमेशा हमारी कैलकुलेशन में ही होती है। कई बार हम फार्मूला पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन की बात आती है तो हम वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम अपनी मिस्टेक कभी नहीं देख पाते, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम अपनी मिस्टेक कभी भी नहीं देख पाते टेंथ क्लास। तो इसलिए इसका ध्यान रखना। सॉल्व कर दिया, 77/8 आ गया टेंथ क्लास। आई होप सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ग्रेट। थर्ड क्वेश्चन देखें एक बार, थर्ड क्वेश्चन क्या है। नाउ सी टेंथ क्लास, थर्ड क्वेश्चन में एक और दिमाग लगाया इन्होंने। इन्होंने कह दिया देखो, जो मिनट की सुई होती है ना, हैंड ऑफ मिनट, उसको हमेशा रेडियस मानना। मिनट की सुई को क्या मानोगे आप, हमेशा रेडियस। तो हैंड ऑफ मिनट कितना दे रखा हमें, 14 सेंटीमीटर, यानी वो हमारा रेडियस हो गया। अगर आपके रूम में आप जहां पढ़ रहे हो अगर घड़ी है, तो आप एक बार मिनट की सुई को देखो और हमेशा याद रखना वो रेडियस का काम करेगा, ठीक है। और इसने हमें एंगल के नाम पे पता है क्या दे दिया, 5 मिनट। बताओ इस एंगल कैसे निकाले भाई, मिनट का थीटा के साथ क्या रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं है। लेट्स फाइंड आउट क्या रिलेशन है। सबसे पहले देखो, एक मिनट की सुई, जो मिनट की सुई होती है ये पूरा घूमती है ना, कितने मिनट में, 60 मिनट में। अब ये 60 मिनट में कितने डिग्री एंगल बना रही है, पूरा सर्कल, यानी 360 डिग्री बना रही है, यही है ना। मिनट की सुई पूरी घूम रही है तो 60 मिनट ले रही है, और 60 मिनट में पूरा कंप्लीट सर्कल बना रही है, और कंप्लीट सर्कल की वैल्यू कितनी होती है टेंथ क्लास एंगल में, 360 डिग्री। यानी 60 मिनट्स अगर 360 के बराबर है तो एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, डिवाइड कर दो 360 को 60 से, यानी एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 6 डिग्री का, ठीक है। और हमारे पास कितने मिनट है, 5 मिनट्स है, तो 6 × 5 = 30 डिग्री, यानी फाइनली हमने थीटा निकाल दिया 30 डिग्री। कैसे निकाला वो मैंने अभी आप लोगों को समझाया। देखो क्या होता है टेंथ क्लास, आप मैंने हमेशा कहा ना, आप लोग क्लासेस का लेवल बढ़ रहा है तो क्वेश्चन को भी ट्रिकी देंगे, ऐसा नहीं होगा हमेशा कि आपको साफ साफ बता दें। देखो इन्होंने थीटा के नाम पे क्या दिया, 5 मिनट, वो हम अपने ब्रेन का यूज करके उस मिनट को हमने थीटा में एंगल में कन्वर्ट किया। कैसे किया वो समझा दिया, 60 मिनट में 360 डिग्री बन रही है एंगल, तो एक मिनट में कितना बनेगा, 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। निकाल दो एरिया भाई, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर यानी 14 का स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, 3 × 1 = 3, 12 आ गया, ये दोनों फिर 2 से कट गए, 11 अपॉन 42, 6 × 7 = 42, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। अब ये 7 से काट दो, 7 × 6 = 42, 7 × 2 = 14, 7 × 8 = 56, ठीक है। ये फिर 2 से कट रहे, 2 × 3 = 6 = 14, गलत तो नहीं कर दिया, नहीं नहीं ठीक होगा, 14 × 11/3, अब कोई डिवाइड हो रहा है नहीं, 14 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा टेंथ क्लास। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया और किस तरीके से करना है। थीटा की जगह हमें मिनट दिया था, थीटा में कन्वर्ट कर दिया, एक बार एंगल मिला एंड यू सॉल्व योर क्वेश्चन, वैल्यू पुट करी एंड बूम क्वेश्चन हो गया, ठीक है टेंथ क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नाउ सी टेंथ क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इसने रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है, थीटा 90 डिग्री दे रखा है, और हमें माइनस सेगमेंट का एरिया निकालना है और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। किस किस का एरिया निकालना है, माइनस सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का, मार्कर कहाँ रख दिए, ये रहे, ठीक है। माइनस सेगमेंट मैंने फिगर में लिख रखा है, यानी इस पोर्शन की बात हो रही है। अब माइनस सेगमेंट का फार्मूला क्या हो सकता है वो देखो, हमेशा इसको याद रखना बेशक, आर स्क्वायर अपॉन 2 थीटा अपॉन 180 इंटू पाई माइनस साइन थीटा। अब इसके लिए आपको साइन थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन कितना इजी हो जाता है, इसके दो तरीके हैं, या तो पहले सेक्टर का एरिया निकालो उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करो, और यह एक शॉर्टकट फार्मूला ये है, आप इसका यूज करके भी कर सकते हो। लेट्स सी फार्मूला याद रह जाएगा टेंथ क्लास, आर स्क्वायर अपॉन 2 थीटा अपॉन 180 इंटू पाई माइनस साइन थीटा। चलो आ जाओ, आर की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर अपॉन 2, थीटा की वैल्यू 90 है रख दिया, अपॉन
180 इंटू पाई 22 अपॉन 7 माइनस साइन 90 डिग्री. क्या रख दिया? माइनस साइन 90 डिग्री. टेन का स्क्वायर 100 अपॉन 2 कट के क्या आ गया? 50. 91 जा 90, 92 जा 180, 11. 2 से 22 कट गया, 11 अपॉन 7 माइनस. अब साइन 90 की वैल्यू याद हो तो 1 होती है. क्या होती है टेंथ क्लास? 1. बाहर हमारा ब्रैकेट के क्या बच गया था? 50. ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लो. एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो. 11 माइनस 7 अपॉन 7. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 50, 11 में से 7 गए, क्या बचे 10th क्लास? 4 अपॉन 7. अब 50 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 207. 207 को डिवाइड करें तो 7 टू जा 14, 7 8 जा 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके आगे भी आएगा, डिवाइड कर लोगे, पर डेसिमल के बाद एक या दो डिजिट पे आप छोड़ सकते हो. 7 आ जाएगा, फिर उसके बाद 7-1 में ऐसा कुछ आएगा, इसको डिवाइड कर लेना. ठीक है, तो हमारा बेसिक एरिया है, जो एरिया ऑफ सेगमेंट आया इस फार्मूले से क्या आया? 28.5. क्या आया हमारा? यानी ये जो सेगमेंट है इसका एरिया 28.5. अब इसने एरिया किसका पूछा पता है? इसने पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर. ये जो है ना हमारा पोर्शन, ये वाला देखो, ये वाला इसका पूछा है. अब सबसे पहले यहां थीटा क्या लेंगे? थीटा मैंने बताया था ना, अगर ये 90 है तो बचा वाला क्या होता है? 360 माइनस 90, यानी थीटा क्या लेंगे? 270 डिग्री. टेंथ क्लास समझने की बात यह है कि यहां पर 270 क्यों लेंगे. मैं एक बार इस फिगर को अच्छे से थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, देखो ये सर्कल है, इन दोनों के बीच में बन रहा है 90 डिग्री. कितने बन रहा है? 90 डिग्री. सेंटर मारो तो बचा हुआ एंगल कितना हुआ? 270 हुआ ना, 360 माइनस 90, 270 हो गया. ठीक है, थीटा आ गया हमारा. नाउ कम टू द क्वेश्चन, फार्मूला क्या है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, जीरो से जीरो कट गया, 9 3 27, 9 4 76, 2 2 4 11. ठीक, 11 इंटू 3 इज 33, 10 का स्क्वायर 100 अपॉन में 2 14 कट गए तो ये काट दो, 2 7 14 50. इसको मल्टीप्लाई कर दो, 100 ये आ गया. अब इसको डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, डिवाइड कर लेना टेंथ क्लास. अब ये मत कहना सर डिवाइड कर दो, डिवाइड कर लेना 1650 को 7 से. ठीक है, माइनस सेगमेंट के लिए मैंने एक नया फार्मूला, मैंने कहा था ना वीडियो के स्टार्टिंग में, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको समझाता रहूंगा. ये माइनस सेगमेंट का फार्मूला है, आर स्क्वायर अपॉन 2 थीटा अपॉन 180 इंटू पाई माइनस साइन थीटा. ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, मेरा माइनस सेगमेंट का एरिया है 28.571 ऐसा कुछ आएगा. मेजर सेक्टर का निकाला. अब मेजर सेक्टर में एंगल क्या ले? ये मैंने आपको समझाया, ये माइनस सेक्टर है, छोटा एंगल है ना, 360 में से माइनस के एंगल को माइनस कर दो, माइनस सेक्टर को 270 डिग्री आ गया. थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास? 270 डिग्री. फिर मैंने इसका फार्मूला लिखा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, सॉल्व कर दिया. तो आई होप टेंथ क्लास इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत नहीं आई होगी. ठीक है, फिर भी कोई डाउट प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा. चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा. ओके टेंथ क्लास, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ देखते हैं. क्वेश्चन फोर्थ अभी हमने इससे पहले किया था, क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ देखते हैं. क्वेश्चन फिफ्थ में हमारे पास क्या क्या है? रेडियस है, थीटा है और तीन चीजें पूछी गई हैं. चलो, लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. थीटा क्या हमारा? 360 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7. आर क्या हमारा? 21. 0 से 0 कैंसिल. ठीक है टेंथ क्लास, 6 1 6 6 6 36. ठीक है, इसको 2 से काटते हैं, 2 3 6 2 1 2 7 1 7 7 3 21. इस 3 से ये 3 कट गया
ओनली 22 बचा, ना नीचे कुछ बचा ना ऊपर कुछ बचा एक्सेप्ट 22। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, 10th क्लास वैल्यू रखते गए, सॉल्व करते गए। एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला मैंने अभी लिखवाया था आपको, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर क्या है 21 का स्क्वायर। 10th क्लास मैं इस 21 के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 441 लिख सकता हूँ ना, 21 का स्क्वायर 441 होता है, कट गया 6 × 6 6 × 36। इसको इससे डिवाइड कर दो, 7 × 6 = 42 7 × 3 = 21। ये 3 से कट रहा है, 3 × 2 = 6 3 × 2 = 6 3 × 1 = 3। ये 2 से कट रहा है, 11 क्या बच गया हमारे पास, ओ ये गलत हो गया यार, हाँ ठीक है ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, 2 × 3 = 1 ऐसे ही आएगा ना, हाँ इसका एरिया आ गया, एरिया आ गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना। 10th क्लास एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर, इसलिए 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी कैलकुलेशन ये होनी चाहिए, मेन है फार्मूला, उसके बाद सॉल्व हो जाए। अगेन एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा गया, एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला क्या बताया था मैंने, आर स्क्वायर अपॉन 2 थीटा अपॉन 180 इंटू में पाई माइनस साइन थीटा। इसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू लिखते हैं, आर का स्क्वायर क्या है बताया ना, 441 अपॉन 2 थीटा कितना हमारा 60 अपॉन 180, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, साइन 60 की वैल्यू, थीटा 60 है ना साइन 60, ठीक कट पिट तो ये रहा, बस ये रहा 6 × 6 6 × 18। ठीक है, तो अब क्या बच गया हमारे पास बाहर, 441 अपॉन 2 ठीक है ब्रैकेट में 22 अपॉन में 21 साइन 60 की वैल्यू √3/2 ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी लिखना चाहो तो लिख दो, आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब आप इनका एलसीएम लेना चाहो एलसीएम ले लो, 441 अपॉन 2 21 और 2 का एलसीएम 42 होता है, 44 माइनस 21√3। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा काटना चाहो तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, काटना चाहो तो। अब आप कहोगे सर एनसीईआरटी में ये आंसर नहीं है, एनसीईआरटी में तो कुछ और है, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आप वहीं पे पहुँच जाओगे। ठीक है, जब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो आप वहीं पे पहुँच जाओगे। कट रहे तो काट दो, 7 × 6 = 42 63 ठीक, ये हो गया। आप फाइनल आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, 63 अपॉन 2 44 माइनस 21√3 अपॉन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर ठीक है 10th क्लास के, यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो रहे सर ये आंसर अलग है, आप इस ब्रैकेट को इसे सॉल्व करके देखना, वही आ जाएगा जो आपके एनसीईआरटी में आंसर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट था लेंथ ऑफ आर्क, फार्मूला पुट किया ये वाला, आंसर आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला आप लोग को अब याद हो चुका होगा, तो मैंने सीधा फार्मूला पुट करा, आंसर आ गया। एरिया ऑफ सेगमेंट का मैंने फार्मूला इसलिए दोबारा लिख दिया क्योंकि ये फार्मूला दूसरी बार यूज़ हो रहा है, 3-4 के बाद मैं सीधा वैल्यू लिख दूंगा, आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, सॉल्व कर दिया। तो आई होप 10th क्लास यहाँ तक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, 5th क्वेश्चन तक कोई डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगेन होती है तो कमेंट्स करो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस। ठीक है 10th क्लास, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन क्या है नाउ, 10th क्लास क्वेश्चन 6th को देखते हैं। रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है, इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं, माइनर सेगमेंट का एरिया और मेजर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर माइनर में तो हम थीटा लेंगे 60 जो कि ठीक है, लेकिन मेजर सेक्टर में तो हम थीटा लेंगे 360 - 60 यानी 300 डिग्री। तो सर इसका तो आपने फार्मूला बताया नहीं, या फिर साइन 30 का तो 10th क्लास में है भी नहीं। तो देखो इसके लिए मैं दूसरा फार्मूला बताता हूँ मेजर सेगमेंट के लिए, याद रखना 10th क्लास मेजर सेगमेंट के लिए फार्मूला बताऊंगा मैं। माइनर सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, वी ऑल नो दैट एरिया आर स्क्वायर अपॉन 2
थीटा अपॉन 180 पाई माइनस साइन 60। इसमें तो वैल्यू पुट कर लोगे। देखो ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा, मैं चाहता हूँ एक आध क्वेश्चन आप अपने एंड से भी ट्राई करो, आंसर टैली करो, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मेजर सेगमेंट निकालना है ना, तो आप क्या करो, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर दो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को घटा दो, आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट घटा दो, जो यहां से आएगा। मैं इसको एक बार डायग्राम से समझाता हूं। ठीक है, ये सर्कल है, ये मान लो मेजर है। ठीक है, अब मुझे बचे हुए का निकालना, तो मैं टोटल में से अगर यही हटा दूं, इसी को माइनस कर दूं, फिर बचा हुआ एरिया आ जाएगा ना, तो इसलिए मैंने लिखा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, 10th क्लास माइनर सेगमेंट, इसलिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कर दिया मैंने। तो 6th क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि ये आप लोग कर लोगे, वैल्यू है। कुछ अपने एंड से भी ट्राई करो, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन अपने एंड से भी ट्राई करो, ताकि आपको समझ में आ जाए। और 7th क्वेश्चन मत करो, क्योंकि अगर जिसमें एंगल 90 से ज्यादा है ना, उस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, आपको छोड़, मतलब सीबीएसई ने भी कह रखा कि जिसमें एंगल 90 से ज्यादा हो तो आप उसको छोड़ दो। तो 7th क्वेश्चन में हमारा एंगल जो है 90 से ज्यादा है, इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। अब हम सीधा क्वेश्चन 8 की तरफ चलेंगे। 6 समझ में आ गया, 10th क्लास माइनर सेगमेंट का फार्मूला, मेजर सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 10th क्लास पाई आर स्क्वायर, बताने की जरूरत नहीं होगी ना, इतना तो आप लोगों को पता होगा, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। यहां जो भी आया ना, मान लो यहां पे 213 आया, तो यहां माइनस 213 कर देना, जो भी यहां का आंसर आया उठाकर उसको पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देना। ठीक है 10th क्लास। ठीक है, अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चेक करते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम, 8th है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड है 15 मीटर। देखो मैंने साइड 15 मीटर लिख दी, और स्क्वायर के एंगल कितने होते हैं 90। इस क्वेश्चन में अगर आप पढ़ोगे कहीं भी एंगल मेंशन नहीं है, क्यों, क्योंकि बुक वाला एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि यार तुम्हें स्क्वायर के एंगल तो पता होंगे, इसलिए मैंने थीटा की जगह क्वेश्चन मार्क लगाया। तो थीटा की जगह क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। और एक घोड़े को बांध दिया गया, रेडियस के बारे में बात नहीं हुई है, बस इसने कहा कि 5 मीटर लंबी एक रस्सी से घोड़े को बांध दिया गया। तो अब एक बात बताओ 10th क्लास, एक्चुअल में जो यूं बन रहा है ना, ये एक सर्कल का ही तो पार्ट है ना, और थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, और ये जो है ये हमारा सेंटर है, तो ये जो रस्सी है किसका काम कर रही है, सेंटर से सर्कल टच यानी रेडियस का काम कर रही है। 5 मीटर यार, 5 मीटर सेंटीमीटर नहीं, 5 मीटर रेडियस किसका काम कर रही है, ये जो 5 मीटर की रस्सी है किसका काम कर रही है, ये हमारे लिए रेडियस का काम कर रही है। कम टू द क्वेश्चन, अगर वो 5 मीटर की रस्सी में है तो इतना तो सारा घास खा लेगा ना वो, इससे बाहर का तो खाएगा नहीं भाई, रस्सी से जितना बंधा है उतना ही तो खाएगा, उतने के सारे एरिया को खा लेगा। यानी सीधी सीधी बात कर रही है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने की। सेक्टर का फार्मूला थीटा 90, 360 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर मैं 25 लिख दूं, कोई बुरा मानने वाली बात तो है नहीं, 25 लिख दिया मैंने, 9 1 9 9 4 4, यहां पाई की वैल्यू शायद उन्होंने 3.14 कहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पाई की वैल्यू उन्होंने 3.1 कहा है। हाँ, यहां पे इन्होंने कहा है कि पाई की वैल्यू को आप 22/7 ना लेके 3.14 लो, हो गया और आसान, बिल्कुल हो गया। डेसिमल के बाद दो डिजिट हैं, डेसिमल हटाओ, 2 जीरो लगाओ। ठीक है, अब 25 एकम 25 25 चौक 100, फिर ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4 157, तो क्या क्या हमारा 157/8, 8 कैसे 4 × 2 8, डिवाइड कर दो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 19, 625 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया 19.625 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में उसकी रस्सी को बढ़ा दी गई है, उसकी रस्सी 10 मीटर कर दी गई है। ठीक है, आपको इस पोर्शन को तो निकालना है, मैं इसको मिटा देता हूं, उसकी रस्सी 10 मीटर। पर एक बात सोचो, रेडियस तो आप 10 लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, पर वो घोड़ा 5 मीटर की घास के एरिया को खा चुका है, पर वो घोड़ा 5 मीटर के एरिया की घास को खा चुका है। तो पहले हम इसको निकालते हैं, इसका फार्मूला वही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर,
आर टेन है ना, थीटा अपॉन थीटा पाई आर स्क्वायर, आर टेन है, टेन का स्क्वायर क्या होता है 100, माइनस में 19.625 भी कर देना टेंथ क्लास, क्योंकि जो घोड़ा बंधा हुआ है उसने कहा कि 10 मीटर कर दी गई, तो 5 मीटर का तो खा चुका ना, यानी इतना पोर्शन खा चुका है, सिर्फ इतना ही निकालना है ना, तो इस पूरे में से मैं इस पोर्शन को माइनस कर दूंगा, कट गया 100, 100 से 100 कट गया, 157 अपॉन 2, यानी कि इसको डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा माइनस 19.625, कितना आ रहा भाई 157 को 78.5 में से 19.625 माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है टेंथ क्लास। द क्वेश्चन इज कि हमने माइनस क्यों किया, क्यों किया, क्योंकि ये घोड़ा जो है इतनी घास खा चुका है, इतनी घास को खा चुका है, तो इसके एरिया को तो हमें माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इस पूरे एरिया में से जो हमारा प्रीवियस एरिया था उसको माइनस किया, हमारा ये जो नया एरिया है 78.5 आया है उसमें से 19.625 माइनस कर देना एंड यू विल गेट योर आंसर। तो आई होप मुझे माइनस करके तो नहीं दिखाना पड़ेगा टेंथ क्लास, इतना तो आप माइनस कर सकते हो, फिर भी दिखा देता हूँ यार, 78.5 माइनस 19.625, दो जीरो कैरी, 75, 8, 8, 58 आ रहा है क्या, चेक कर लेना यार, कर लोगे 14, 15, 17, 18, ठीक है ठीक है, यही आएगा मीटर स्क्वायर, 58.7875 मीटर स्क्वायर। तो आई होप टेंथ क्लास ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक बार देखते हैं हम लोग, नाउ सी टेंथ क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसमें डायमीटर दे रखा है 35, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, डायमीटर दे रखा है इसने हमें 35 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना दे रखा है 35 सेंटीमीटर, और 5 डायमीटर प्लस में एक सर्कल बना हुआ है ब्रॉन्ज में, ठीक है सिल्वर से, ठीक। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर, ये जो वायर है टोटल कितनी यूज हुई है, 5 तो डायमीटर यूज हुई है, 5 × डायमीटर प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, डायमीटर 5 है, देखो 1, 2, 3, 4, 5 डायमीटर बने हुए हैं, तो ये भी तो वायर से ही बने ना, तो इनको भी आप ऐड करोगे, तो इनको ऐड करेंगे तो 5 डायमीटर प्लस में ये बाहर का जो सर्कल है वो, और बाहर की बाउंड्री का मतलब हो गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब हो गया 2πr, 5 × d, d कितना है 35 प्लस 2πr, सॉरी r हो गया 35/2, रेडियस कितना होता है इसका, हाफ होता है डायमीटर का, ठीक है 2 से 2 कट गया, 7 × 5 = 10 35, 22 × 5 = 110, 35 को इससे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, अरे वो सॉरी तुम क्या बोलोगे, 5 × 5 = 25, 15, 17, 285 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी आ गई 285 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, यानी एक सेक्टर का एरिया निकालना है, तो इसके लिए तो हमें एंगल पता होना चाहिए ना यार, एंगल पता होना चाहिए। अब एक चीज देखो टेंथ क्लास, ये सर्कल कितने टुकड़ों में डिवाइड हुआ, यानी 360 के हम कितने टुकड़े करेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पार्ट, सेवंथ पार्ट, एट्थ पार्ट, नाइन्थ पार्ट और टेंथ पार्ट, यानी 360 के हम 10 पार्ट करेंगे, 360 को अगर मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूं तो एक थीटा कितने का आ गया मेरा 36 डिग्री का, 5 डायमीटर तो डैम सो 10 ही पार्ट में डिवाइड होगा, टुकड़े बता दिए, यानी हर एक एंगल 36 डिग्री का, द फार्मूला इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर दो बार लिख देता हूं, 36 × 36, 36 × 10 = 5, हो गया 5 × 5, 5 × 10, 2 से ये 11 आ गया, ठीक है 11 को और 35 को मल्टीप्लाई कर दो, 385 अपॉन में 4 आ गया, 2 × 2, 4, ये आ गया हमारा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर।
आपको पता है मैंने 10 से डिवाइड क्यों किया 10th क्लास, क्योंकि एक सर्कल के हर सेक्टर टोटल 10 सेक्टर है। अब 360 डिग्री को अगर मैं 10 पार्ट में डिवाइड करूं तो एक पार्ट कितने डिग्री एंगल बना रहा है, 36 डिग्री का, इसीलिए हमने ऐसा किया। ठीक है 10th क्लास। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना अम्ब्रेला वाला, वो भी काफी कुछ इससे रिलेटेड है, उसमें 8 पार्ट कर रहे हैं, टोटल कितने पार्ट कर रहे हैं, ठीक है 8 ना, तो 360 को आप 8 से डिवाइड कर दो 45 डिग्री आ जाएगा, 360 को 8 से डिवाइड कर दो 45, रेडियस आपका गिवन है, फॉर्मूला पुट करो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की जगह 45। आप पढ़ के देखो 8 क्वेश्चन जो आपका अम्ब्रेला का, उसमें यही कह रखा है ना उसने कि 8 पार्ट है, कितने हैं 8, तो 8 का मतलब क्या हुआ 360 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड करने का मतलब है हर एक पार्ट कितना एंगल बना रहा है, यानी एक सर्कल है इस बार वो 8 टुकड़ों में डिवाइड है, एक पार्ट दो पार्ट तीन चार पांच छह सात और ये 8 पार्ट पे डिवाइड है अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला का सर वो तो ऐसे दे रखा है, कोई बात नहीं भाई, 3 4 ठीक है, लो 3D में देखो, ठीक 4 पार्ट ये हैं और 4 इसके पीछे होंगे, 8 होंगे, मैंने अम्ब्रेला को ऊपर से दिखा दिया, टॉप व्यू दिखा दिया, तो 360 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया 8 से, क्यों किया, क्योंकि उस सर्कल के 8 पार्ट हो रहे हैं इसलिए 8 से डिवाइड कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्लास आप लोग खुद कर लेना, कोई डाउट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए, पर फिर भी अगर डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको ट्राई करूंगा उसको सॉल्व आउट करने के। ठीक है 10th क्लास, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी 10th क्लास 11th और 12th क्वेश्चन को मैं एक साथ करवाता हूं, एक साथ इन द सेंस सेपरेटली, लेकिन मैं आपको हिंट देता हूं, दो वाइपर है, यानी एरिया कितने का निकलेगा, सिंपल है, दो, एक गाड़ी के दो वाइपर होते हैं, वी ऑल नो दैट, एक गाड़ी में दो वाइपर होते हैं फ्रंट में, बैक में कईयों में नहीं होते, कईयों में एक होता है, ठीक है, तो एक गाड़ी में दो वाइपर है तो एरिया ऑफ सेक्टर दो बार निकलेगा, या दो से मल्टीप्लाई कर दो, और रेडियस दे रखा है, तो यार एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर टोटल 2 थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना 10th क्लास, क्यों दो से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आप क्वेश्चन में पढ़ो दो वाइपर दे रखे, क्वेश्चन में कितने वाइपर दे रखे, दो, तो भाई हमें दो से ही करना पड़ेगा, काटा पीटी कर लेना यार, ये भी करवाओ क्या भाई, थोड़ा सा कर देता हूं मैं, आप लोग भी खुश हो जाओगे, ठीक 5 से कर दो, 2 ये 2 से हो गया, ये 5 से हो जाएगा 36 23 आ गया ओड नंबर 18 11 सॉल्व कर लेना 23 इंटू 11 25 का स्क्वायर 625 बटे 18 सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन तो आप लोग खुद करो 10th क्लास, ठीक है आई होप इतना समझ में आ गया। द क्वेश्चन इज की देखो अब क्वेश्चन इजी है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है मे बी थोड़ा टफ है, बट नाउ सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रखा है, दो वाइपर है इसीलिए मैंने एरिया को 2 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया था, एरिया ऑफ सेक्टर दो है, एक वाइपर 25 सेंटीमीटर का, दूसरा वाइपर भी 25 सेंटीमीटर का, दोनों सेम है इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है 10th क्लास, अब इसी के साथ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12th पे, एक लाइट हाउस है जिसकी लाइट जो है अराउंड 16.5 किलोमीटर 16.5 किलोमीटर जाती है, तो ये जो 16.5 है ना ये रेडियस का काम करेगा, किसका काम करेगा 10th क्लास, रेडियस का। ठीक है जो लाइट हाउस होती है ना वो बोर्ड को लाइट दिखाती रहती है ताकि वो आपस में भिड़ ना जाए, और दो शिप है उन दोनों के शिप के बीच का एंगल कितना दे रखा है 10th क्लास, 80 डिग्री, कितना दे रखा है 80 डिग्री, बाकी तो आप कर ही लोगे थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इसको दो से मल्टीप्लाई मत कर देना, कहीं पे मेंशन नहीं है, उसने कहा दो शिपों के बीच में बन रहा है, ठीक है तो कहीं अपना प्रो दिमाग लगाओ तो उसे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा मत करना, आपको थीटा दे दिया 80 डिग्री, ये जो लाइट है ये आपके रेडियस बन जाएगा, तो इसलिए मैंने रेडियस को लिखा 16.5। ठीक है 10th क्लास, आई होप ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा होता है अभी, ओके 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, एक्चुअली में एक टेबल कवर है, ठीक है और उसमें 6 इक्वल डिजाइन है, इस 6 इक्वल डिजाइन का मतलब समझ रहे 10th क्लास, यानी कि थीटा को हमें 6 से डिवाइड करना है, कितना क्या थीटा, थीटा इन्होंने मुंह से नहीं बताया कि भाई 60 डिग्री, उन्होंने कह दिया कि 6 पार्ट कर दिए, तो 360 को 6 से डिवाइड करेंगे, जैसे इसे पिछले वाले क्वेश्चन में था 8 से डिवाइड किया था 10 से किया था सो ऑन, ठीक
ऐसे ही हमने थीटा को टोटल 360 को 6 से डिवाइड किया क्योंकि इसके 6 टुकड़े हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टुकड़े हो रहे हैं 10th क्लास, इसलिए हमने इसको 6 से डिवाइड कर दिया, थीटा आ गया। कोस्ट दे रखी है, और कोस्ट किसकी दे रखी है बताइए, इस डिजाइन की। और ये डिजाइन किस क्या है, ये सेगमेंट है। क्या डिजाइन हमारा, सेगमेंट। तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है 10th क्लास, याद रखना एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। पहले एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो फिर कोस्ट निकालेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला क्या था, आर स्क्वायर अपॉन टू थीटा अपॉन 180 इंटू पाई माइनस साइन थीटा। और सेगमेंट कितने हैं हमारे, 6 है ना, तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स, 6 इंटू ये वैल्यू रख दो, आर कितना है 28 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, ब्रैकेट 10th क्लास, थीटा 60 अपॉन 180 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 माइनस साइन 60 डिग्री, 6 इंटू 28 इंटू 28 लिख देता हूं मैं, अभी काटने इसको काट दिया मैंने, 14 आ गया, कितना आ गया 14, ये कट रहा है 60 वन जा 60 16 3 जा 180 22 वन जा 22 अपॉन 21 साइन 60 की वैल्यू √3/2। और इसने कहा है √3 की जगह आपको 1.7 लिखना है, क्या लिखना है आपको 1.7, तो उस √3 की जगह मैंने 1.7 लिख दिया। आपने वीडियो में देखा ना मैंने 1.7 क्यों लिखा, क्योंकि √3 आया था और √3 की वैल्यू क्या थी 1.7, डेसिमल हटाते यहां पे एक जीरो आ जाएगी, ठीक है। अभी बाहर क्या है 6 × 14 × 28, आप इसको मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि नीचे देखो 20 और 21 है, यानी 7 के टेबल से कटेंगे और 2 से भी कटेंगे, एलसीएम ले लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 4 = 420 माइनस 21 को 17 से मल्टीप्लाई, 357 आ गया, 357, ठीक। अब 6 × 14 × 28 माइनस करना है कितना आ जाएगा 83/420, जो कटते उनको काटो, 28 किससे कट रहा है 14 × 3 = 42, फिर ये 2 से कट गया 15, फिर ये 14, तो क्या क्या बचा हमारे पास 6 × 14 × 83 × 15, इनको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी क्वेश्चन कई बार करवा देते तो याद हो जाता है 464.8 सेंटीमीटर, यानी इन 6 डिजाइनों का एरिया कितना आ गया हमारा 464.8। अब हमें क्या निकालना है, कोस्ट, टोटल कोस्ट निकाल दो, टोटल कोस्ट, एक सेंटीमीटर का कोस्ट कितना है 35 पैसे, यानी कि 0.35 रुपए, तो टोटल कोस्ट यानी 464.8 को 0.35 से मल्टीप्लाई कर दो, 162 या 168 रुपए कुछ आएगा, आई थिंक 162.68 रुपीज आ जाएगा, 162.68 रुपीज आए, 68 पैसे, आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या क्या था हमारा, रेडियस, ठीक है, थीटा हमारे पास नहीं था, थीटा हमने निकाला, सबसे पहले मैंने एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला। अब एरिया ऑफ सेगमेंट को 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज सेगमेंट के 6 पार्ट है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 जगह डिजाइन है ना भाई, फर्स्ट पार्ट डिजाइन 2 4 5 6, 6 डिजाइन है, तो इसलिए मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन करता गया और कैलकुलेशन एंड में इजी हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप 10th क्लास 12.2 आप लोगों को काफी कुछ समझ में आ गई होगी, फिर भी कोई डाउट कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन एमसीक्यूज आप अपने एंड से ट्राई करो, ज्यादा टफ नहीं है, फिर भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। थैंक 10th क्लास, एंजॉय योर डे और ट्राई टू फोकस, अब ऑफ सीजन मत रहो, ऑन सीजन आ जाओ, व्हाट आई मीन, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, आप समझो कि हमारे पास मुश्किल से 90-100 दिन रह गए अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए, 90-100 दिन का मतलब हो गया, आप ये मान लो 2 घंटे भी निकाल रहे हो मैथ के लिए, 180 घंटे रह गए हमारे पास। अब 180 घंटे में आपके पास पूरी बुक है, समझ रहे हो ना, तो आपको किस तरीके से करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है,
थोड़ा सा अपना टाइम पीरियड बढ़ाओ, मैं 2 घंटे कर रहा हूँ आप 3 घंटे 4 घंटे दो, तब जाके चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। तो आई होप 10th क्लास मैं आपको काफ़ी कुछ समझा पाया हूँगा। थैंक 10th क्लास, एंजॉय डे।